Good evening, sir. Good evening, I had some questions from you. Sure. My very first question was, sir, what is the best time to prepare for UPSC? Should I start it from plus two or should I do it after graduation? Ma'am, the best part of starting is that you start early. जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती हैं. शुरू जल्दी करने से क्या होता है, आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, आपके पास वो प्रेशर नहीं आएगा. आप जितना लेट शुरू करोगे एज का प्रेशर बढ़ते जाएगा, पेरेंटल प्रेशर हो सकता है बढ़ जाए. दीज आर द इशूज विच कम विद वैन यू स्टार्ट लेट. द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़. My second question was, does the medium play any role? Because generally there is a thought in students' mind that since I'm from the Hindi background or I'm from the English background, so Hindi background student selection ratio is very less. आई डोंट बिलीव कि इट्स अ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर. लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें होती नहीं है UPSC में. ये एक सिर्फ परसेप्शन बन गया है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन उतनी नहीं हो रही. ऐसी एक्चुअल में बात है नहीं, हिंदी मीडियम से भी अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं. वॉट मैटर्स इज हाउ मच कंटेंट यू हैव, हाउ गुड कंटेंट यू हैव. इवन इन हिंदी मीडियम इफ़ यू हैव अ गुड कंटेंट तब सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता है. तो इट्स जस्ट अ माइंड सेट कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होती, इट्स नॉट द रियलिटी. So how should I choose my optional? Since I have kept mathematics honors my graduation, so should I keep that as my optional paper or should I prefer something else? See, optional is the most important factor in civil services mains examination. It's the main paper which will either qualify you or either let you fail. So optional we have to decide very cautiously. Optional, in my opinion, decision lene ke liye teen cheeze bahut zyada important hai. Sabse pehla is interest. आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट कितना है. आपकी अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऑप्शनल लेवल की तैयारी कर नहीं पाओगे. ऑप्शनल के लिए आपको ऑनर्स लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट में. दैट्स द सिलेबस विच UPSC हैज प्रिस्क्राइब. तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव द इंटरेस्ट फॉर दैट सब्जेक्ट यू कैन स्टडी ऑनर्स लेवल का. द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट. वॉट कम सेकेंड इज उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, वेदर बुक्स आर अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. डिफाइंड सोर्सेज है कि नहीं, जैसे बहुत से ऑप्शनस होते हैं जिसकी UPSC स्पेसिफिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती. एंड थर्ड इज गाइडेंस. इफ यू हैव अ गुड टीचर, गुड मेंटर, गुड गाइडेंस, तो ऑप्शनल आपका ईजिली हो जाएगा इवन इफ यू ट्राई टू चेंज. टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, इफ यू आर वेरी श्योर दैट यू हैव कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, तो गो फॉर इट. लोग सेलेक्ट होते हैं अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं, बट इट्स कंपेरेटिवली अ डिफिकल्ट ऑप्शन क्योंकि उसकी सिलेबस थोड़ी लेंथी होती है. If you have interest, you can switch to other options as well. So, sir, is it necessary to join any coaching center for this preparation? See, there's nothing called necessary in life. Everything is a choice. Coaching center se join karne ka fayda ye hota hai that aapka process easy ho jata hai. See, it's a competitive exam. Aap apna lifelong sirf tayari karte hue nahi bita sakte. The earlier you get into services, utna zyada aapke paas time rahega to enjoy the life as well as to bring impactful change. तो जल्दी पहुंचने के लिए वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज अ गुड गाइडेंस. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई मेंटोरशिप आपको एक ईजिली रास्ता बता देते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो, आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप पहुंच जाओगे. आप रास्ता ढूंढोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी एनर्जी एफर्ट्स लग जाएंगे. सो कोचिंग हेल्प्स इन दैट वे, इट गिव्स यू अ डेफिनेट पाथ, यू जस्ट हैव टू वॉक इन. इफ यू विल कंपेयर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ हजारीबाग और while preparing for many coaching institute of Delhi, then which would be the best option for us? See, if you are from Hazaribagh, the best option for you must be Hazaribagh only. क्योंकि आप घर में रह के अपने यहाँ तैयारी करोगे ना, तो it's a sense of comfortability which is very important. आपको बाकी चीज़ों का pressure नहीं होता, पहला चीज़. दूसरा चीज़, हजारीबाग में coaching institute, specially the Chanakya branch, is very nicely made. यहाँ जो facilities मिल रही है तो that is not available in Delhi. बहुत रिसेंटली हमने इंसिडेंट्स देखे भी हैं दिल्ली में, अभी कैसा सिचुएशन चल रहा है. तो दैट्स द रियलिटी विच वॉज इग्नोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट्स कमिंग ऑन द सर्फेस. तो आप जितना क्लोज रह सको अपने घर वालों के साथ, आपको अच्छी गाइडेंस यहाँ मिल रही है, तो वाई टू गो टू दिल्ली, वाई टू वेस्ट एक्स्ट्रा मनी. सो हाउ फार डज मेंटरशिप प्ले अ रोल इन दिस प्रिपरेशन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव मेंटर्स ना, आपका पाथ बहुत ईजी हो जाता है. यू जस्ट हैव टू वॉक इन, यू डोंट हैव टू सर्च कि मुझे ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, ये सही होगा ये गलत होगा. इवन देर आर टाइम्स जब आप डीमोटिवेटेड हो जाओ तो आपके मेंटर्स, आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं वगैरह, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं सारे डाउनफॉल वाले मूवमेंट्स पे. वहाँ पे जो सपोर्ट अगर कोई कर दे, इट्स वेरी इजी टू कम बैक. सर, हाउ शुड आई कीप माय मोटिवेशन लेवल हाई? सी,
for this? Because according to me, as I've heard from others, that is a very difficult examination. So while preparing for it, how could I keep my motivation on the right path? So definitely. See, talking about the difficulty of the examination, it is difficult. No doubt on that. It is difficult. Not because of the examination process per se, but because of the sheer competition, the number of students applying for it and the number of seats we have. But the point is कि अगर बड़े सपने देखें तो यार बड़ा सपने के लिए बड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है. दैट्स द ओनली पॉइंट. तो अगर बड़े सपने रियलाइज़ करने तो एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे. तो अगर आप डीमोटिवेटेड हो जा रहे हो इस कॉम्पिटिशन को देख के, या फिर आप लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच एवरी एस्पिरेंट फेसेस अपने डे टू डे टाइम में. तो फॉर दैट, टू काउंटर दैट, एक ही मेरा आंसर रहता है कि यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई. वाई डू यू वॉन्ट टू कम इन टू द सर्विसेज? वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज? तुम ऐसा क्या करोगे यहाँ आके? वॉट चेंज यू कैन ब्रिंग? तो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई एंड अ वाई विच इज़ मोर देन दिस मटीरियलिज्म अराउंड यू, इफ़ यू हैव एन ओरिएंटेशन कि मुझे लोगों को इम्पैक्टफुल चेंज लाना है, लोगों को हेल्प करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इफ़ दैट इज़ योर मोटिवेशन, तो इन द मोमेंट्स ऑफ डाउनफॉल आपको हमेशा एक इनर कॉलिंग आती रहेगी, नहीं मुझे करना ही है, और आप कर लोगे. थैंक यू सर, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू.